अयोध्या जिले में लगातार भू माफिया सक्रिय हैं और भू माफिया कहीं पर भी खाली जमीन देखने पर उसको कब्जा करना शुरू कर देते हैं। वहीं अयोध्या के निवासी तौकीर अहमद ने आरोप लगाते हुए बताया कि भू माफियाओं ने एक प्लॉट पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सीएम पोर्टल और एसडीएम सदर से करते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। दिसंबर में हमारे आदमी मार डाले गए थे, हमारा बच्चा एक साल का था, हम महकम रहते रहे, ये लोग अभी नहीं हिस्सा दे रहे, इसी में हम लोग को फंसाए, हमारे बच्चे के पहचानने से इनकार कर देते हैं, यार और कभी मर्डर कर देंगे, हम मार डालेंगे, और ना कचहरी कोर्ट से लो तो लो तो फैसला हो जाए, तब भी लो जबरदस्ती क्यों खाली करते, जब बात है तो यहाँ पर गाली बकते हैं, सब करते हैं, अभी हम कह रहे हैं काम लगाओगे तो अच्छा नहीं होगा, अभी हम जल के मर जाएंगे, कहते मर जा तू मर जा चाहे मर जा, रोजा रहते हैं मैं परेशान हो जाती हूँ। में विवाद चल रहा है, न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, ये फैसला आने से पहले ये जमीन को कब्जा करके ये बेच देना चाहते हैं और उसके बाद में ये शासन प्रशासन मैनेज करके हमारे ऊपर भारी से भारी मुकदमा लिखाना चाहते हैं, कभी मेरा एक्सीडेंट करा सकते हैं, मुझे ये जान से मरवाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि फेस मैं कर रहा हूँ। ये भैया समीम अहमद हैं, अयाज अहमद मस्सू हैं, इसमें कल्लू कबाड़ी हैं, दुलारे कबाड़ी हैं और इसमें इनके और कई अज्ञात साथी हैं जिनके थ्रू हमारी हत्या भी हो सकती है, कभी भी हमारी हत्या हो सकती है, हमें जान से मारा जा सकता है, हमें गंभीर मुकदमों में जेल भेजा जा सकता है। अभी तक की बंटवारा नहीं हुआ है और इसका मुकदमा चल रहा है, जबकि मैं खलील की बहू हूँ, मेरे आदमी का नाम फजील अहमद है और ये लोग बंटवारा होने से पहले ही कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ पे जब हम लोग थाने पे बुलाया जा रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही कि यह महिला बहुत तेज है, इसको पहले कार्रवाई की जाए इस पे, तो इसलिए इस लड़के को फंसा देते हैं तो हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, तो इसी लड़के की वजह से हम यहाँ तक आज खड़े हैं, हम किराए पे रहते हैं, हमारे घर बार कुछ नहीं है, ये लोग सब मारे हुए हैं।